सर सोशल मीडिया में भी मैसेज चल रहा है, फिलहाल मंदसौर जिले की क्या स्थिति और क्या सुरक्षा है? मंदसौर जिले में जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सारी व्यवस्थाएं की गई है। जनता में भी, हमारे सिविल सोसाइटी में भी लोग लगातार संपर्क में हैं और ये कोशिश की जा रही है कि लोग मिनिमम मूवमेंट करें और जो सुरक्षा के उपाय हैं, स्वयं के सुरक्षा के उपाय और कम्युनिटी के सुरक्षा के उपाय, उसका सख्ती से पालन किया जाए। और अभी तक कोई पॉजिटिव केस मंदसौर जिले में नहीं है। बाकी जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में संदिग्धता हो सकती है, उनको होम आइसोलेशन करने की व्यवस्था की जा रही है। और जो जानकारियां मिल रही हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको वॉलंटियर करने के लिए भी दिए गए हैं, और जो इन्फॉर्मेशन अपने को आ रही है उसके माध्यम से भी उसको चेक कर रहे हैं। जो भी ऐसे लोग बाहर से आए हैं उनको हम चेक करा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार होम आइसोलेशन। बॉर्डर पे हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोका है परसों से, और आज चेकिंग की व्यवस्था भी की जा रही है सभी बॉर्डर्स पे। और लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर आवश्यक नहीं है तो आप ज़िले में प्रवेश ना करें, और इन जनरल भी लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप मूवमेंट मिनिमम रखें, क्योंकि मूवमेंट से वायरस के फैलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हैं और आपको खुद भी इस बात से वायरस के कैरियर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं और बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में आते हैं, जो कम्युनिटी चीज़ें हैं, सीट है, हैंडल है, और इन चीज़ों से पे वो वायरस काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो इन जनरल ये अपील की जाती है कि अगर अत्यंत आवश्यक नहीं हो तो आप मूवमेंट ना करें। तो कुछ संगठनों द्वारा भी बंद का आह्वान किया, कुछ संगठनों द्वारा भी बंद का आह्वान किया। कल तो एक प्रधानमंत्री जी के अपील पर सभी लोगों ने जनता कर्फ्यू को किया है, और इसमें हम लोगों ने ये लोगों से अपील की है कि जो अत्यावश्यक सेवा है उसमें जैसे दूध का वितरण या पेपर का वितरण, ये भी 7 बजे सुबह के पहले कंप्लीट कर लिया जाए। कुछ दुकानें जो दवाइयों की हैं वो जिला अस्पताल के परिसर में रेड क्रॉस की दुकानें और जो नर्सिंग होम से रिलेटेड दुकानें हैं उनके अलावा बाकी प्रतिष्ठान सब बंद रखे जाएँ। जो परिस्थितियां हैं कोरोना को लेके और जो समुदाय के एकत्र होने से इससे बढ़ने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में हम लोगों ने लगातार बैठकें की हैं, और इससे प्रेरित होकर बहुत सारे संगठनों ने, जैसे व्यापारियों ने मंडी में नीलामी पे अपनी रोक लगा दी है, सराफा व्यापारियों ने दुकानें बंद करने की बात कही है, मोबाइल के जो एसोसिएशन हैं उन्होंने कहा है कि हम अगले 10 दिनों तक दुकान बंद रखेंगे, शहर के बहुत सारे प्रतिष्ठानों ने दुकान बंद किया है, और ये एक अच्छी पहल है। दूधाखेड़ी माता और पशुपतिनाथ के परिसर में जो दुकानें हैं उन्होंने खुद वॉलंटियर होकर उनको बंद किया है। तो हम ये अपील करते हैं मैक्सिमम लोगों से कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, और जो दूसरे दुकानदार भी हैं वो अगर डिलीवरी मैकेनिज्म से चीज़ें पहुँचाएँ, लोग मिनिमम चीज़ों से अपना काम करें, और अत्यंत आवश्यक हो तभी बाजार में जाएं, तभी दुकान खोलें, तभी लोगों के संपर्क में आएं, तो वो सबसे बेहतर तरीका होगा इसको ब्रेक करने का, क्योंकि हमें इस चेन को ब्रेक करना है, और ये चेन ब्रेक तभी होगा जब हम मिनिमम एक्टिविटी करेंगे।